बिल्कुल आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप संख्याओं को फिट से सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करें, यानी आपके हाइट फिट में दे रखी है और आपको कोई सेंटीमीटर में पूछ लें तो उसको कैसे बदलेंगे। एक छोटी सी ट्रिक के साथ शुरुआत करेंगे। देखिए इसमें दो स्टेप होगा, पहले फिट को सेंटीमीटर में बदलेंगे फिर इंच को सेंटीमीटर में। तो हम फिट से शुरुआत करते हैं। तो आपका एक फिट बराबर कितना सेंटीमीटर रहता है, यह रहता है 30.48 सेंटीमीटर रहता है। तो हम एक की जगह पाँच लाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इसको पाँच से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो पाँच से गुणा कर देते हैं। तो एक गुणा पाँच कितना आ गया, पाँच। इस तरफ भी आपका पाँच से गुणा होगा, पाँच गुणा 30.48 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ गया, 152.4 आ गया। ठीक है, ठीक इसी तरीके से हमें इंच को कन्वर्ट करना है। तो आप जानते हैं जब इंच वैल्यू को हम गुणा करते हैं किससे, 2.54 से, तो ये किस में आ जाता है, सेंटीमीटर में। क्यों आ गया, क्योंकि आपका जो एक इंच वैल्यू है तो वो किसके बराबर रहता है, 2.54 सेंटीमीटर के बराबर रहता है। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ आपको पहले ऊपर बताया कि सब जगह यही तरीका काम में लेना है। तो यहाँ से कितना आ गया, ये आपका एक के बाद एक जीरो, तो पॉइंट एक अंक पीछे चला जाएगा, कितना आ गया, 25.4 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनको जोड़ना है। तो जोड़ देते हैं भाई, पॉइंट तो पॉइंट, ये लो पॉइंट, पॉइंट के बाद कितना, 4 + 4 = 8, ये 5 और 2 = 7, 5 और 2 = 7, और ये 1, कितना आ गया, 177 सेंटीमीटर आ गया। किसके बराबर, आपका 5 फिट और 10 इंच के बराबर। ठीक है, इसको इस तरीके से आसानी से समझ सकते हैं।